मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल बटन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे उपवास का आलू का पराठा, जिसे स्पेशली नवरात्र में बनाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू, 1 कप राजगिरे का आटा, पानी, 1 बड़ा चम्मच घी, हरी मिर्च का पेस्ट और सेंधव नमक स्वादानुसार। यहाँ पे मैंने एक बड़े बाउल में लिए हैं 2 उबले हुए आलू। इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे राजगिरे का आटा, स्वादानुसार नमक और हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना देंगे। इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके इसे फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप चाहे तो आप पानी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम कपड़े से ढक के 5 मिनट तक सेट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद अब इसके हम एक जैसे गोले बना देंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का पेपर लिया है, उसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। फिर थोड़ा सा आटा रखेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसके ऊपर और एक प्लास्टिक का पेपर रखेंगे और ये आटा हम एक जैसा फैला देंगे। मैंने यहाँ गैस पे तवा गरम करने के लिए रखा है, इस पे थोड़ा सा घी डाला है। अब हम ये तैयार पराठा इसमें डालेंगे। दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो इस पे घी भी लगा सकते हैं। हमारा पराठा अब तैयार है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उपवास का आलू पराठा अब तैयार है। आप इसे दही या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।